एक शानदार ये नज़ारा देख रहे हैं। ये लोटस टेम्पल कमल फूल जो कीचड़ में खिलता जरूर है लेकिन पवित्र माना जाता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसकी जो स्थापना दिवस है वो 1996 में है, जो दिसंबर में हुआ था, और इसे आम जनता के लिए 1997 में ये गेट को खोल दिया गया। इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या अंदर अगर बैठने की बात करें तो लगभग 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और दो छोटे छोटे सभागार हैं जहां पे 70 लोग बैठ सकते हैं। अभी फिलहाल कोरोना काल में ये बंद कर दिया गया है लेकिन यहां तक आप पहुंच सकते हैं। इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस तरफ से एक चीज का केंद्र बनाया गया है और दूसरी तरफ जो इस तरफ तस्वीरें हैं ये फिर एंट्री करने का जगह है। हम आपको बता दें कि विदाउट मास्क यहां पे एंट्री नहीं है, विदाउट सैनिटाइजर किए हुए अंदर प्रवेश वर्जित है और इस जगह आ करके लोगों के पास एक शानदार अनुभूति प्राप्त है। आप अगर ये चैनल YouTube पर आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस बार जो इस तरफ की तस्वीरें वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा स्थल जहां पे भारत की राजधानी दिल्ली आए हैं और इस जगह पे अगर आप नहीं आ पाए हैं तो अपने फैमिली के साथ इस जगह पर आकर के अपना एक यादगार लम्हा बिता सकते हैं। इस तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ये एंट्री गेट है जहां से लोग यहां पे आते हैं और सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी व्यस्तता रहती है। कुल अगर बात करें प्रत्येक दिन यहाँ पे 5,000 से 6,000 लोग आते हैं और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे शांति के लिए यहाँ आते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अभी भी शाम के 5 बजे के आसपास का समय हो रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। हमारे भाई बंधु भी यहाँ पे आए हुए, हम उनसे सवाल करेंगे। भाई साहब आप कहाँ से आए? बिहार से। कहाँ से? सिवान जिला। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा। अच्छा, कितने दोस्तों के साथ आए हैं आप? 3 दोस्त हैं। अच्छा, 3 दोस्त हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये लोटस टेम्पल है और यहाँ क्यों आना चाहिए? भाई रहता है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में भाई रहता है। ओके, तो आपको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है? जी हाँ। तो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ बिहार से इस दिल्ली के इस मेन जगह पर जहाँ पे लोटस टेम्पल 1996 में स्थापित हुई थी और 1997 में इस गेट को खोला गया था। अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अंदर नहीं जा सकते लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो लगातार बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। इस वक्त बहुत सारे हमारे साथ लिसनर्स हैं और हमारे साथ मैडम आप कहाँ से हैं? पोरबंदर गुजरात से। तो कैसा लग रहा है ये लोकेशंस पे आकर के आपको कैसे? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये लोटस टेम्पल एक बार विजिट करना चाहिए? क्या यहाँ की खासियत है? अच्छा, टूर में आए हैं तो आपको आकर के अंकल आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं, फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस चल रहा है इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है लेकिन बाहर से आकर के आपको इस जगह पे शांति का प्रतीक मालूम चल रहा है। चलिए, पोरबंदर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे YouTube पर जाइए आरजे प्रदीप लिखिए और हमें खुशी होगी कि ये सारे लोकेशंस की तस्वीरें हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल ये जो है स्थित है लोटस टेम्पल, 1996 में स्थापित की गई थी, 1997 में इसे लोगों के लिए द्वार खोला गया, 400 लोगों के बैठने की अनुमति है भीतर में, दो छोटे छोटे सभागार हैं जहां पे 70 लोग बैठ सकते हैं लेकिन फिलहाल ये दरवाजा अभी बंद है। लेकिन कालका जी मंदिर के समीप में ये लोटस टेम्पल कुछ खास बयां कर रही है। इसी बातों के साथ मैं आरजे प्रदीप इजाज़त चाहता हूँ और हमारे चैनल पर अगर आप नए सब्सक्राइब करें।